पूरा देश जिस ट्रेन का इंतजार कर रहा था उसके ऊपर अब एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि अगले साल फरवरी और मार्च के बीच में हमारी वंदे भारत स्लीपर वर्जन दौड़ना स्टार्ट कर देगी। आर्टिकल में आप साफ साफ देख सकते हो ये मेंशन किया गया है। रशियन कंपनी के झमेले के बाद अब ICF ने यहाँ पर प्लान बना लिया है कि हम अगले साल फरवरी मार्च 2024 में वंदे भारत का वर्जन लॉन्च कर देंगे और ये खुद यहाँ पर चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ICF के उन्होंने कन्फर्म किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्या क्या अमेजिंग फीचर्स होने वाले हैं जो बाकी की ट्रेन से इसे एकदम हटकर बना देंगे, लेकिन उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या और एडिशनल फीचर्स डालकर हम इसे इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के लिए ट्रेन बना सकते हैं, फिर हम यूरोप, चाइना, जापान में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चेंजेस है जो हम अगर डाल दें तो ये वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेन भी बन सकती है। तो क्या है वो सारे फीचर्स, पूरी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, प्लीज एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ICF 10 स्लीपर वर्जन ट्रेन प्लान कर रही है जो कि BEML लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में जॉइंटली डेवलप की जाएगी। 675 करोड़ रुपीज का ये पूरा ऑर्डर सिक्योर कर लिया गया है ऑलरेडी। बस 10 स्लीपर वर्जन ही नहीं लेकिन उसके अलावा 80 स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे BHEL और टीटागर वैगन्स के कंसोर्टियम कंप्राइजिंग के तहत। लेकिन जो रशियन कंपनी TMH RVNL का हुआ था 120 ट्रेन मैन्युफैक्चर करने का, वो भी अलग से है, उसका भी प्रावधान किया गया है और उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। सो अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। सबसे पहले तो इसका शेप पूरा एरोडायनामिक रखा जाएगा। 250 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड से डिजाइन किया जा रहा है इस ट्रेन को, जो कि भारत की मोस्ट अमेजिंग ट्रेन होगी। सेंट्रलाइज्ड कोच मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, CCTV कैमरा दिया जाएगा हर एक कोच में फॉर सिक्योरिटी, फायर डिटेक्शन सप्रेसिंग सिस्टम इसमें डाला गया है, लैपटॉप कम मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी दिया जाएगा, USB पोर्ट फॉर ईच सीट। कंफर्ट का भी खासा ध्यान रखा गया है, इंडिविजुअल कुशन्ड बर्थ्स विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका इंटीरियर भी एकदम फ्लैश फ्यूचरिस्टिक डिजाइन किया गया है और जल्द ही अब ICF रिवील भी कर देगी। वेल, अब क्या क्या वो फीचर्स है जो अगर हम इसे डाल दें तो यूरोप और चाइना की ट्रेन से हम कम्पीट कर पाएंगे? वेल, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे हम डाइनिंग कार या लॉन्च ऐड कर दें तो इसमें चार चांद लग जाएंगे। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोपियन कंट्रीज में डिजेबल लोगों के लिए यहाँ पर ट्रेन्स को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाता है और वंदे भारत में ये फीचर थोड़ा सा मिसिंग है। अगर इसे हम और ज़्यादा इंप्रूव कर दें ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के बराबर में हो जाएगी और फिर हम बाकी के देशों में भी एक्सपोर्ट करके चीन के दबदबे को ख़त्म कर सकते हैं। वेल, आपको क्या लगता है और क्या क्या फीचर्स डालने चाहिए हमारी अमेजिंग स्लीपर वर्जन वंदे भारत में? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।